हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी अप्पे। तो आज लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर अप्पे बनाने के लिए सूजी ली है और एक कप सूजी ली है और इसमें मैंने एक कप से थोड़ा सा कम दही लिया है। अब हम इन्हें इसमें डाल देंगे। अब हमने इसको इसमें डाल दिया है। अब हम इनको इसको एकदम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसको एकदम सॉफ्ट करना है। फिर जैसे ये हमारा हो जाएगा थोड़ा सा सॉफ्ट, हम इसको थोड़ा सा 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। हमें इसको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह स्मूथ ना हो जाए। तो अब मुझे अभी भी ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है। तो अब हम इसमें ही पानी डाल देंगे जिसमें मैंने दही लिया था। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और जब तक ये आपको ये स्मूथ ना लगे तब तक आप इसमें ऐसे ही पानी डाल दीजिएगा। मिक्स करते रहिएगा पानी के साथ। तो अब ये हमारा अच्छी तरह स्मूथ बन रहा है धीरे धीरे। तो अब हमारा ये अच्छी तरह स्मूथ बन गया है। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे ढक्कन के साथ। तो अब मैंने यहाँ पर पोटैटोस लिए हैं, इसमें अब मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और इसमें मैंने ये लिए हैं और इसमें मैं ये लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूंगी। और अब हमने इसमें लिए कुछ प्याज जो हम इसमें ऐड करके मिक्स करने वाले हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे और अच्छी तरह इनको मिक्स भी। तो अब हमने इसके सारे छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। तब ये हमें बहुत अच्छी हेल्प करेंगे उनकी फिलिंग करने के लिए। और जो बैटर है वो एकदम रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालने वाले हैं, फिर हम इसको थोड़ा और स्मूथ बनाएंगे। तो हमें इसको अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। हम थोड़ा और सॉल्ट डालेंगे, फिर हम उसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा और पानी, फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डालने वाले हैं। तो अब हमने इसमें ये बेकिंग जो हमारा पाउडर है वो हमने अब डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इसके ऊपर अप्पा मेकर रख दिया गैस के ऊपर। तो अब हमारा ये गर्म हो चुका है। मैं इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डाल देंगे हम, और हमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें जो हमारा ऑयल है वो बहुत कम डलता है। तो अब हम इसमें राई डालने वाले हैं। हमें इसमें ज़्यादा राई नहीं डालनी है। फिर हम इसको गर्म होने देंगे। तो अब हम इसमें अच्छी तरह हमने भी इसमें थोड़े से राई डाल दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो अब ये हमारे धीरे धीरे ये हमारे गरम हो रहे हैं। तो अब हम इनमें हमने जो वो बनाया था अब हम इसमें डाल देंगे। हम इसमें पहले थोड़ा ही डालेंगे सब में।
ये देखिए हमें इसमें अभी ज़्यादा फिलिंग नहीं करेंगे, और ये देखिए कैसे ये नीचे से जो ऑयल है वो अच्छी तरह लग रहा है कि वो अच्छी तरह गर्म भी हो रहा है और अच्छी तरह फिर वो इनको क्रिस्पी बना देगा। तो अब मैंने इसमें सब में डाल दिया है, तो अब हम बॉइल्ड पोटैटो बॉल्स को इनके ऊपर रख देंगे अच्छी तरह सबके ऊपर। हमें इनको साइड में नहीं रखना है, हम इनके बीच में रखेंगे। तो अब हमने सारों में ये डाल दिए हैं, अब हम इनके ऊपर थोड़ी और स्टफिंग करेंगे। हमें इनको ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इनको थोड़ा थोड़ा डालना है, बस ये ध्यान रखें कि ये इससे बाहर ना जाएं। फिर हम ऐसे ऐसे करते हैं सब में डाल देंगे। तो अब हमने इनको अच्छी तरह कवर कर लिया है, तो अब हम इनको 3 मिनट के लिए ऐसे ही। तो अब हमारे 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको टर्न करेंगे। अब हम इनको टर्न करने से पहले इनकी थोड़ी सी हम ऑयलिंग कर लेंगे। हम इनमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, हम इनके सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऑयल ही डालेंगे। ये देखिए इसकी मदद से ये और क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम इनको धीरे धीरे इन सब को टर्न कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे नीचे से कितने क्रिस्पी से हो गए हैं। अब हम एक एक करते इन सब को भी कर लेंगे। तो अब हमने इन सब को टर्न कर दिया है, तो अब हम इनको एक बार फिर से ढक देंगे और फिर कुछ टाइम के लिए पकने देंगे। इनको टर्न कर लेंगे। अभी हमारे बन के रेडी हो गए हैं और अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो अब हम एक एक करते हैं इन सबको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारे एकदम अच्छी तरह रेडी हो गए हैं। सो अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नारियल की चटनी कैसे बनाई जाती है। तो टिल दैट बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब।